मोदी सरकार का सराहनीय 7 वर्ष पूरे होने पर क्षेत्र के सभी भाजपा कार्यकर्ताओं के द्वारा सेवा दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। कार्यक्रम के तहत गरीब असहायों के बीच सूखा राशन के साथ साथ वैश्विक महामारी कोरोना संक्रमण के रोकथाम हेतु मास्क, साबुन, सैनिटाइजर सहित कई सामग्री का वितरण किया गया। वहीं कार्यकर्ता मोदी सरकार के द्वारा किए गए 7 साल के कार्यों को भी सभी को बताते चल रहे हैं। रविवार को हरिहरपुर मंडल प्रभारी सूर्यदेव सिंह ने मझियाओं पंचायत में रह रहे गरीब व असहाय मुसहरों के बीच सभी को जागरूक करते हुए कहा कि साफ सफाई का विशेष ध्यान रखें और सरकार द्वारा किए जा रहे निःशुल्क टीकाकरण से कोविड-19 की टीका लें व सुरक्षित रहें। गरीबों के बीच सूखा राशन के साथ साफ सफाई करने के लिए साबुन, हैंड सैनिटाइजर सहित कई तरह की सामग्री दी गई। सेवा दिवस मझियाओं, कवलदाग, हरिहरपुर, डगरबत्तो, खुर्द, रपुरा, श्रीनगर, दारिदा, डुमरसोता में गरीब असहायों के मध्य सामग्री वितरण करके मनाया गया। कार्यक्रम में हरिहरपुर मंडल प्रभारी सह सांसद प्रतिनिधि सूर्यदेव सिंह, जगत किशोर प्रतिनिधि संतोष सिंह, राजेश्वर पासवान, कामेश्वर राजवंशी, सुधांशु रविरंजन कुंदन सहित कई लोग उपस्थित थे। नमस्ते। आज हम सभी भारतीय जनता पार्टी के सारे सदस्यों, हमारे सारे प्रतिनिधि, हम लोग हरिहरपुर मंडल में माननीय मोदी जी के 7 साल का जो कार्यक्रम हुआ वह सराहनीय हुआ। उनके कार्यक्रम के खुशी में, उपलक्ष में आज हम लोग सेवा दिवस मनाने का काम कर रहे हैं। हरिहरपुर मंडल के सबसे पिछड़े गरीब गुरुदेव, अभी हम लोग मुसहर टोला में मुसहर बंधु भाई बहनों के बीच हम लोग उपस्थित हैं। तमाम लोगों को हम लोग अपने मंडल के अंदर लगभग 100 से 150 लोगों के बीच हम लोग खाद सामग्री, सैनिटाइजर और मास्क वगैरह दे करके सारे लोगों को हम लोग मोदी जी की उपलब्धि को बता रहे हैं और कोरोना वैक्सीन से बचने के लिए, उन्हें वैक्सीन लेने के लिए हम लोग प्रेरित कर रहे हैं। सारे लोगों को समझा रहे हैं कि आप लोग वैक्सीन को लें ताकि कोरोना से हम विजयी हो सकें, और यही हमारी सलाह है, राय है कि सब लोग इसमें अस्पताल में वैक्सीन ले लें। यही हमारा निवेदन है। जय हिंद, जय भारत।